30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। ये पंक्तियां सटीक वर्णन करती हैं स्वामी विवेकानंद के चरित्र की। 12 जनवरी साल 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। विवेकानंद 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से ही एक नाम है जिन्होंने आजीवन विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।